देख सकते हो गाइज यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा टेक्स्ट का एनिमेशन है। आप कुछ भी ट्राई करके YouTube का इंट्रो आउट्रो सब कुछ बना सकते हैं और लिरिक्स वीडियो भी बना सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट को भी यूज कर सकते हो, पहले से पड़ा हुआ है, आपको कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। आपको जो अच्छा लग रहा है आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके फॉन्ट का इफेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हो। दिखा देता हूँ कैसे इस ऐप को डाउनलोड करना है और कैसे एडिट करना है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप भी करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पहले एक लिरिक्स वीडियो को एडिट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले VPN को कनेक्ट करके कैपकोड को ओपन करना है, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यह प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसका फ्री वर्सन गूगल में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इजीली डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं। कैपकोड को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके यहाँ पे एक वीडियो को ऐड करेंगे। आपके हिसाब से फोटो यानी वीडियो कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं एक वीडियो को ऐड करके दिखा देता हूँ। ऐड होने के बाद यहाँ पे एक ऑडियो को ऐड करेंगे। ऑडियो तो नहीं है, एक वीडियो को ऐड करेंगे एक्सट्रैक्टेड में जाकर, तो ऑटोमेटिक ऑडियो हो जाएगा। आपके पास ऑडियो हो तो आप ऑडियो को भी ऐड कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ऑडियो हमारा ऐड हो गया। अभी क्या करना है, इस ऑडियो का ऊपर क्लिक करके मैच कोड का ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे म्यूजिक के हिसाब से बीट लगाएंगे। लगाने के बाद राइट का ऊपर क्लिक करेंगे। इस वीडियो को भी म्यूजिक के हिसाब से यहाँ पे कट कर देंगे स्लिप्ट। बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पे क्लिक करके डिलीट। पूरा फास्ट में आना है। फास्ट में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट का ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड टेक्स्ट। अभी क्या करना है, फास्ट लिरिक्स लाइन को लिखना होगा। यहाँ पे फास्ट लिरिक्स लाइन को लिखने के बाद इफेक्ट्स में जाना है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा इफेक्ट्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी इफेक्ट्स को यूज करके एडिट कर सकते हैं। इस इफेक्ट को लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट का ऊपर क्लिक करके एक फॉन्ट को लगाएंगे। यहाँ पे इस फॉन्ट को लॉब, ये पहले से है, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। इस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन का ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक एनिमेशन का लगाएंगे, पूरा लास्ट में है, देख सकते हो बाउंसिंग हार्ट। इस एनिमेशन को लगाएंगे। लगाने के बाद आप उसको ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो, पूरा बढ़ाएंगे तो पूरा स्लो स्लो बाउंसिंग होगा और उसे कम कर देंगे तो पूरा स्पीड में बाउंसिंग होगा। ठीक है, पूरा बढ़ाएंगे 3.0 सेकंड। इतना करने के बाद राइट का ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस टेक्स्ट को आपको हिसाब से आप कहीं भी रख सकते हो ऐसे करके। मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अभी दिखा देता हूँ प्ले करके, देख सकते हो कुछ इस तरह एनिमेशन हमारा होगा। अभी क्या करना है, सेकंड लिरिक्स लाइन को कैसे लिखना होगा। पहले इस टेक्स्ट को कॉपी का ऊपर क्लिक करके कॉपी करेंगे। कॉपी होने के बाद इस टेक्स्ट को लॉन्ग प्रेस करके सामने ले आएंगे। ठीक है, इतना तक। उसके बाद यहाँ पे सेकंड लिरिक्स लाइन को लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड लिरिक्स लाइन भी रेडी हो गया। अभी राइट का ऊपर क्लिक करेंगे। ऐसे ही कॉपी कर करके जितना लिरिक्स लाइन लिखना चाहते हैं लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर से कॉपी करेंगे। अभी थर्ड लिरिक्स लाइन को लिखना है। पूरा का पूरा लिरिक्स लाइन हमारा रेडी हो गया। इस कैपकोड एनिमेशन को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। लिरिक्स वीडियो हमारा पूरा रेडी हो गया। अभी प्ले करके दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा हड़बड़ी में कर लिया, आपको पूरा ध्यान से बीट के हिसाब से मैच करके करना होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए। यहाँ पे क्लिक करके क्वालिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो।
फर्क कर देता हूँ, फ्राम रेट को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। इतना होने के बाद यहाँ पे क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है।